छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बदमिजाज कलेक्टर को सूरजपुर से हटा दिया है। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने बेवजह एक युवक के साथ दुर्व्यवहार किया, उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसकी पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए हैं। सरे रहा युवक का मोबाइल तोड़कर उसे थप्पड़ मारने और पुलिस कर्मियों से युवक की पिटाई करवाने वाले सूरजपुर कलेक्टर रणवीर सिंह के व्यवहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने रणवीर शर्मा को वापस मंत्रालय बुला लिया है। उनके स्थान पर गौरव सिंह को सूरजपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया, यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार नहीं है। इस घटना से मैं क्षुब्ध हूँ। मैं नवयुवक व उसके परिजन से खेद व्यक्त करता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। ये युवक अपना टेस्ट करवाने कोरोना काल में घर से निकला था। उसकी रिपोर्ट युवक ने कलेक्टर को दिखाने की कोशिश की थी तो कलेक्टर साहब सनक गए और युवक का मोबाइल जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया, फिर उसे थप्पड़ मारा और पुलिस वालों से पिटवाया। अब कलेक्टर साहब को उनकी सनक महंगी पड़ गई है। कलेक्टर साहब को कलेक्ट्री से हाथ धोना पड़ गया है। मुख्यमंत्री बघेल की नाराजगी के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है, जिसके तहत रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव कुमार सिंह को सूरजपुर जिले का नया कलेक्टर पदस्थ किया गया है। वहीं रणवीर शर्मा को कलेक्टर सूरजपुर से स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। IAS एसोसिएशन ने भी सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा के व्यवहार की निंदा की है। IAS एसोसिएशन ने कहा है कि सेवा और सामाजिकता के मूल सिद्धांतों के विपरीत कलेक्टर के इस व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक अधिकारी का आचरण समाज के प्रति सद्व्यवहार और जनता से जुड़ा वाला होना चाहिए। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।